मेरे पापा का नाम मोहम्मद फजल अली है जी। बेटा ये हुआ कैसा, उस टाइम पे कहाँ थे आप? एक्चुअली मैं घर पे ही थे। 5:30 को हम लोग यहाँ से निकले, 6 o'clock ड्यूटी के पास थे। 6:45 को मेरे पापा ने बोला है कि मैं अब भी आ रहा हूँ बोल के बोले। वो उन्होंने पिस्टल लेकर आए आए बाद से बोले कि यहाँ रुकने के लिए। उसके बाद उन्होंने शूट कर लिए, बोला है कि जो भी HDFC और बैंक ऑफ बड़ौड़ा है ना, उनकी वजह से उनका सुसाइड हुआ है। जो भी है वो EMI ज़्यादा ले रहे थे, क्योंकि मेरे बाबा का जितना सैलरी है ना पूरा EMI पे जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे, इसलिए मेरे बाबा ने सुसाइड करे हैं। और मेरे बाबा ने ये भी बोला है कि जितने जो भी मेरे साथ किया है उनका नाम भी लिखा है मेरे बाबा ने, उनको पनिशमेंट होना चाहिए बोल के बोले हैं। तो ये जो भी है ना प्रूफ्स, वो पुलिस वालों के नाम, पुलिस वालों के पास है, जो भी नामा है वो पुलिस वालों के पास है जी। बिल्कुल। कितने बहन है आपको? हम 3 बहन एक भाई है। क्या काम करते भाई लोग? मेरा भाई का बिजनेस है कोल्ड ड्रिंक का, एक छोटा सा शॉप है। 2 सिस्टर का शादी हो गया, एक मैं ही हूँ। और मेरे खुद KCR सर से और KTR सर से और सविता इंदर मैम से मेरे को ये गुजारिश है, ये जॉब मेरे को ही आना तो मेरे भाई को आना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मेरा रेंट का घर है, 15,000 मेरे घर का रेंट है। अभी मेरे डैडी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आप कहाँ तक पढ़े माशाल्लाह से? डिग्री फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो आपके बाबा मैडम से हटके और कहाँ जॉब करते थे? नहीं, मेरे बाबा वहीं अकबर सर के पास भी स्क्वाड थे। मेरे बाबा 2 साल अकबर सर के साथ स्क्वाड कर रहे थे, वो एक गनमैन है। अकबर सर, असद सर से भी मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प करिए, और सविता इंदिरा मैम से भी ये गुजारिश है कि थोड़ी हेल्प करिए प्लीज़, गवर्नमेंट से हमको इंसाफ चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरे आपके वालिद साहब का कैसा हुआ, क्या हुआ? मेरे वाले साहब आज सुसाइड कर लिए जी। थोड़ा वो कर्ज़ों के टेंशनों में थे, इसमें डिप्रेशन में थे, बता नहीं सके। अच्छे दिल के आदमी थे साहब। अब हम लोग आएगा कुछ भी गवर्नमेंट से अपील है, कुछ भी हमारे लिए करे तो आगे के फ्यूचर के लिए जी। क्या थी वाले साहब को जो इतना कर्जा ले लिया, और कुछ हुआ आपको, कुछ आइडिया है किसका? आइडिया तो नहीं है, पर सुमें एक बड़ौदा बैंक को 3 लाख रुपए बने थे। 3 लाख रुपए बने बाद से वो अकाउंट क्लोज हो गया था लोन का। फिर उन लोन देते बोले थे अगेन, वही दूसरों से लेके करके जमान पे देने का था, वो बैंक वाले धोखा दे दिए, देते बोल के बड़ौदा बैंक वाले। इसीलिए 2-3 साल से मैडम के पास है, सविता इंदर मैडम के पास है। वही मैडम से रिक्वेस्ट है आगे के फ्यूचर के लिए ड्यूटी व्यूटी कुछ भी करे तो। सविता मैडम से रिक्वेस्ट है, सविता मैडम के गनमैन थे, 2-3 साल से काम करते थे उनके पास। वो क्या था अल्लाह को मालूम है। मेरे 3 बहनें हैं, मैं एक हूँ, बेरोज़गार है हम लोग। मैडम से रिक्वेस्ट है नौकरी के लिए। तो माशाल्लाह से आपके वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे भाई। इससे पहले कहाँ जॉब करते थे वालिद साहब आपके? अकबर साहब के साथ भी थे गनमैन पे। अकबर साहब के साथ भी 4-5 साल थे जी। तो आपका रहने क्या जिले थी वाले साहब के आपके? 58। घर कहाँ है आपका, मकान? हुसैन आलम पे किराए का मकान है, 12,000 रुपये रेंट है। और सविता मैडम से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मेरे को 3 बहनें हैं और मैं अकेला हूँ, जॉब वॉब कुछ भी नहीं है मेरे पास। और हमारे अकबर साहब KTR साहब से रिक्वेस्ट है हमारी मदद के लिए आगे बढ़ी है। हमारे वाली साहब आपके पास सर्विस दे चुके हैं 4-5 साल। ये जब हादसा हुआ उनके नजदीक कौन थे? हमारे छोटे बहन थे। छोटे बहन जी। तो छोटी बहन को इस चीज़ का इल्म नहीं था? नहीं, रात में हो गया था इल्म, बोल दिया था एक जगह लेके जा रहा हूँ बोल के, बोल दिए थे। मगफिरत के लिए दुआ करिए। क्या नाम है वाले साहब के? मोहम्मद फजल अली। मोहम्मद